नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट शिवराज के साथ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी हमें भेजी है निर्मला जी ने। असल में ये उनका बदला हुआ नाम है। उन्होंने उनका असली नाम और जगह का नाम बताने से मना किया है। तो चलिए, अब बिना देरी किए मैं उनकी कहानी आपको उनकी ही जुबानी सुनाता हूं। दोस्तों, मेरा नाम निर्मला है और मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। दोस्तों, ये घटना मेरे छोटे भाई के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उसके कारण मेरी माँ को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी थी। ये घटना तब की है जब मेरा भाई निर्मल 9 साल का था। उस वक्त हमारे पिताजी हमारे घर के पीछे एक कुआं खोदना चाहते थे। पिताजी को हाल ही में पता चला था कि उस घर के पीछे एक छोटा जमीन का टुकड़ा था जो कि उनके पुरखों की जमीन है। उसी जमीन के आसपास दूसरे कुएं भी थे और उनमें अच्छा पानी था, और इसलिए पिताजी भी उसी जमीन पर कुआं बनवाना चाहते थे। वही जमीन पर एक इमली का पेड़ था। उस वक्त पिताजी उस पेड़ को तोड़ने के बारे में सोच रहे थे ताकि वो वहां पर एक बड़ा सा कुआं बनवा सके। वो पेड़ ठीक उसी जगह पर था जहां पर वो कुआं बनवाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने उन्हें वो पेड़ तोड़ने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि वो पेड़ श्रापित है। उस पेड़ के आसपास गांव के लोगों को हमेशा ही बहुत बुरे अनुभव आए थे, लेकिन पिताजी का इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन गांव वालों के बार बार समझाने के बाद उन्होंने उस पेड़ को छोड़कर उसके करीब एक कुआं खोदने का निर्णय लिया। पिताजी की जिद के आगे गांव के लोगों ने भी उनकी बात को हाना करते हुए सहमति दे दी। असल में गांव के लोग उस पूरी जगह को मनहूस मानते थे, पर हमारे पास वहां पर थोड़ी ही जमीन थी और वही उसी जमीन पर वो बीचों बीच इमली का पेड़ था। आसपास की दूसरी जगह पर हम कुआं नहीं बनवा सकते थे क्योंकि वो जमीन हमारी नहीं थी। आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद उसी इमली के पेड़ के पास कुआं बनाना तय हो गया। फिर एक दिन कुएं का काम शुरू हो गया और कुछ मजदूर काम पर लगा दिए गए। पर जैसे ही कुएं का काम शुरू हुआ, अचानक से वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। 2 दिन बाद ही एक मजदूर अचानक से बीमार पड़ गया और उसी रात को उसकी मौत हो गई। दूसरे कुछ मजदूरों के घर वालों के साथ कुछ हादसे हो गए और फिर डर के मारे वो भी वो काम छोड़कर चले गए। ऐसे अगले 10-12 दिनों में कुएं का काम पूरा बंद पड़ गया। उस वक्त तक कुआं कुछ 4 या 5 फीट तक खोदा गया था, मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बस एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। अब बाबा परेशान हो गए थे क्योंकि उस चक्कर में उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे और जैसा चाहा था वैसा काम भी नहीं हुआ था। बाबा फिर से मजदूर ढूंढने में लग गए और फिर हमारे साथ एक दिन वो घटना हो गई। काम बंद होने के कुछ दिनों बाद एक दिन मेरा भाई निर्मल घर के पीछे खेल रहा था। दोपहर का वक्त था। मैं घर के आंगन में छत के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रही थी और फिर खेलते खेलते कब वो उस इमली के पेड़ के पास चला गया उसे भी पता नहीं चला। उस वक्त वो उस पेड़ की छांव में खेल रहा था और खेल खेल में उसका कंचा कुएं के बने हुए उस गड्ढे में गिर पड़ा। मेरा भाई कंचा देखने कुएं के पास चला गया और उसने झुककर नीचे देखा। वहां देख वो झट से पीछे हट गया और डर के मारे घबराकर घर के अंदर चला आया। उसने माँ को बताया कि वहां उसने कुएं के अंदर किसी औरत को देखा था जो कि वहां बैठी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। जब निर्मल माँ को यह सब बता रहा था तब मैं वहीं पर बैठी हुई थी। माँ को पहले लगा कि निर्मल झूठ मूठ की कोई कहानी बना रहा है, क्योंकि उसने सोचा कि कोई औरत उस गड्ढे में क्यों उतरेगी। माँ घर के काम में लगी पड़ी थी तो उसने निर्मल को घर के पास ही खेलने के लिए कहा। फिर निर्मल मेरे पास आकर बैठ गया और वहां बैठे बैठे अपने हाथों में कंचों को उछालने लगा। मैं उसकी उस हरकत को तिरछी नजर से देख रही थी। कभी वो मेरी तरफ देखता तो कभी सामने उस गड्ढे की तरफ। फिर कुछ चुलबुल कर उसने मुझे कहा, दीदी क्या तुम मेरे साथ वहां गड्ढे तक चलोगी? मुझे वहां से मेरा कंचा निकालना है। मैंने तब उसे हटकते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। फिर भी वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर कुछ देर बैठने के बाद वो अकेले ही गड्ढे के पास चला गया।
वो धीरे धीरे घबराते हुए वहां तक चला गया था, और जैसे वो गया था उसकी दुगनी तेजी से दौड़ते हुए वो वापस आ गया। वापस आकर उसने रोते हुए ही माँ से फिर कहा, वो औरत अब भी वही है और मुझे घूर रही है। इस बार माँ को लगा कि कहीं सच में वहां कोई औरत गिर तो नहीं गई, इसलिए माँ निर्मल के साथ वहां देखने चली गई। कुएं के गड्ढे के पास जाकर माँ ने अंदर झांक कर देखा और उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। माँ ने कहा कि यहां तो कोई भी नहीं है। तब निर्मल ने घबराते हुए अंदर देखा और माँ से कहा, माँ वो औरत यहीं पर बैठी हुई थी, मुझे घूर रही थी और वो औरत मुझे अपने पास आने का इशारा भी कर रही थी। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ा वो चिल्लाया, वो देखो माँ, वो औरत अब इमली के पेड़ से झूल रही है। माँ ने झट से पीछे मुड़कर देखा पर पेड़ पर कुछ भी नहीं था। माँ को अब बहुत गुस्सा आ गया, उसे लगा कि निर्मल उसे जानबूझकर डरा रहा है। और फिर माँ ने निर्मल के पीठ में एक जोर का घूंसा मारा। निर्मल ने तब भी रोते रोते कहा, देखो माँ, वो औरत अब तुम्हारे कंधे पर बैठी है। माँ को लगा कि निर्मल उससे मजाक कर रहा है और वो गुस्सा होकर वहां से चली गई। पर उस दिन के बाद माँ के स्वभाव में बहुत बदलाव हुआ, जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी पर हम देख पा रहे थे। उसके ठीक अगले ही दिन माँ ने किसी छोटी सी बात को लेकर मुझे बहुत पीटा, जबकि माँ ने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मुझे वो बहुत ही अजीब लगा। उन कुछ दिनों में निर्मल ने मुझे कई बार बताया कि माँ की पीठ पर वही औरत सवार है और वो उसकी पीठ पर हर वक्त बैठी रहती है। ज्यादातर वो छुपकर रहती है, मुझे सिर्फ उसके गंदे हाथ और सिर्फ सर दिखाई देता है। पर जब भी मैं उसे देखने के लिए माँ के पीछे जाता हूँ तब वहां कोई नहीं होता। कभी कभी वो अपना सर निकालकर मुझे देखती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती रहती है। लेकिन वो औरत कौन है उसे ठीक से पता नहीं था। मुझे लगा कि निर्मल खामखा कोई कहानी बना रहा होगा, पर फिर मुझे भी धीरे धीरे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस दिन के बाद माँ की पीठ में हमेशा दर्द रहता था। वो थोड़ा सा झुककर कुबड़ निकालकर चलने लगी थी। उस रात मैंने एक बहुत ही अजीब बात देखी। बीच रात में माँ अपने बिस्तर पर उठकर बैठी हुई थी और कुछ अजीब बातें बड़बड़ा रही थी। वो देख मैं डरकर उससे दूर हो गई और निर्मल से लिपट कर सो गई। पिताजी के होने पर वो थोड़ा ठीक बर्ताव करती थी, पर जब बाबा घर पर नहीं होते तो वो हमारे साथ किसी सौतेली माँ जैसे बर्ताव करती थी। बाबा जब भी माँ से कुएं के बारे में बात करते तो उसकी आंखों में मुझे गुस्सा दिखाई देता था। वो अचानक से किसी भी बात पर चिल्लाती थी, उनसे झगड़ा करती थी और हर बार उन्हें उस कुएं से दूर रहने को कहती थी। पर बाबा ने कभी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाबा को बस ये लगता था कि पैसों की चिंता के कारण वो ऐसे चिढ़ती होगी। पिताजी उन दिनों खेतों के कामों के कारण ज्यादातर बाहर ही रहते थे। मैं और निर्मल, हम दोनों भी माँ के स्वभाव में हुए बदलाव और उसके अजीब बर्ताव से डरने लगे थे, क्योंकि ज्यादातर हम दोनों भी माँ के साथ घर में अकेले होते थे। रात में भी बाबा ज्यादातर खेतों में जाकर निगरानी करते थे। माँ की हालत और भी खराब होती चली जा रही थी। अब माँ किसी बूढ़ी औरत की तरह झुककर चलने लगी थी। निर्मल मुझे हर बार यही कहता था कि उसकी पीठ पर कोई औरत सवार है और इसलिए वो झुककर चलती है। पर जो निर्मल को दिखाई देता था वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पर मैं एक बात जानती थी कि माँ बदल चुकी है। वो अब बेवजह हम पर हाथ उठाने लगी है। किसी भी बात पर वो गुस्सा हो जाती थी, किसी भी कारण से वो हमें मारती थी। हम जितने वक्त के लिए स्कूल में रहते थे उतने वक्त के लिए हमें राहत महसूस होती थी। हम तो वापस घर जाने से भी डरने लगे थे, सोचते थे कि घर जाएंगे तो फिर से मार खानी पड़ेगी। मैंने उस वक्त एक और बात को महसूस किया था कि माँ जब भी मुझे मारती थी उसका रूप अचानक से बहुत भयानक दिखने लगता था। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आता था। मैं हर रोज मार खाती थी और फिर चुप हो जाती थी। मैं वो बात पिताजी से कहने से भी डर रही थी। पता नहीं था कि वो मुझ पर यकीन करेंगे भी या नहीं। लेकिन फिर एक रोज एक बहुत ही अजीब बात हो गई। उस रोज माँ सो रही थी। दोपहर का वक्त था।
उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उसकी पीठ की मालिश की और फिर खेलने के लिए घर से बाहर चली गई। उस दिन पहली बार मैंने अपने भाई से पूछा, क्या सच में तुम्हें कोई औरत दिखाई देती है? और तुमने पहली बार उस औरत को कहाँ देखा था, मतलब जो तुम्हें बुला रही थी? उसने मुझे दूर से ही उस इमली के पेड़ की तरफ और उस गड्ढे की तरफ इशारा किया। वो दूर से ही मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने उससे कहा कि चल पास जाकर देखते हैं। लेकिन निर्मल मेरे साथ गड्ढे के पास आने से डर रहा था। मैंने किसी तरह उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूं और मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। और फिर हम दोनों भी भगवान का नाम लेकर वहां चले गए। हम दोनों इमली के पेड़ के पास खड़े होकर उस गड्ढे में झांक कर देखने लगे। निर्मल ने मुझे एक कोने वाली जगह की तरफ इशारा कर कहा, वो औरत वहीं बैठी हुई थी उस पत्थर पर, और दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसके चेहरे और हाथों पर बहुत झुर्रियां थी, आंखें लाल लाल थी, हाथ और पैर ऐसे थे जैसे दीवारों में दरारें पड़ती है। पूरा शरीर रूखा सूखा था, जैसे जैसे मिट्टी का बना हुआ हो। मुझे देख वो अजीब सी आवाज कर रही थी। उसने मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए अपने पास आने का इशारा किया था, और इसलिए मैं बहुत डर गया था। और अब वही औरत मुझे कभी कभी माँ के पेट पर बैठी दिखाई देती है। तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? हमें पीछे से माँ की एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुन हम दोनों भी बहुत घबरा गए। हमारे पीछे हमारी माँ खड़ी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो हमारी माँ नहीं थी। उसका रूप ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा निर्मल ने मुझे बताया था। उसके बाल खुले हुए थे, हाँ चेहरा सूखा पड़ा था, आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी, और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूर रही थी। मैं जान चुकी थी कि वो हमें मारने वाली है, तो मैंने निर्मल को वहां से दूर भाग जाने के लिए कहा। निर्मल दौड़ता हुआ खेतों की तरफ चला गया, पर माँ पैर पटकते हुए मेरे पास आ गई। मैं बहुत डरी हुई थी और अपनी जगह पर जम गई थी। फिर वो मुझे खींचते घसीटते हुए उस इमली के पेड़ के पास चली गई। उसने मुझे वहीं पर खड़ा किया और बहुत गुस्से में मुझे कहा, कभी यहाँ आने की कोशिश की तो पहले तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी और फिर तुम्हें। वो बहुत ही भयानक आवाज में हंस रही थी। वो बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई और घबरा कर दौड़ती हुई घर के अंदर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरा भाई कहाँ चला गया था मुझे पता नहीं था। उस घटना के बाद माँ की तरफ देखने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उसी रोज बाबा को वो सब बताने का निर्णय लिया। उस दिन भी मुझे बहुत मार पड़ी थी, पर मैं जानती थी कि वो मेरी माँ नहीं है। उसी शाम बाबा घर आने के बाद मैंने चुपचाप बाबा से कहा कि वो उस रात निर्मल और मुझे अपने साथ खेतों पर लेकर चले जाए, और वो बात मैंने उन्हें माँ को बताने से मना कर दिया। हम उस रात उनके साथ रहना चाहते थे। हमारे खेतों में एक झोपड़ा था। पिताजी दोपहर और रात वही आराम करते थे। माँ ने उस बात का थोड़ा विरोध किया, लेकिन हम पिताजी के साथ जाना ही चाहते थे। हम अपनी बात पर अड़े हुए थे। आखिरकार पिताजी भी हम दोनों को अपने साथ लेकर जाने के लिए राजी हो गए। फिर रात खाना खाकर निर्मल और मैं हम बाबा के साथ खेतों पर चले गए, और वहां जाते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। बाबा मुझे अचानक रोता देख चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतनी रो क्यों रही हो? तब मैंने और निर्मल ने बाबा को वो सब बताया जो मेरे और उसके साथ हुआ था, माँ के अजीब बर्ताव के बारे में और निर्मल को वहां जो भी दिखाई देता था उसके बारे में। मेरी बात सुनने के बाद बाबा को भी थोड़ा यकीन हो गया कि माँ के साथ कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि उसके स्वभाव में हुए बदलाव को वो भी अच्छे से जानते थे, पर उन्हें उसके पीछे का कारण नहीं पता था। माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, और फिर उसी रात माँ अचानक से बहुत बीमार पड़ गई।
हम जब सुबह घर गए तो देखा कि माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। उसने रात का खाना तक नहीं खाया था। उसे बहुत ही तेज बुखार था। उसके नाक और मुंह से बार बार किसी काले पानी जैसा द्रव निकल रहा था। माँ ठीक से आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। माँ की वो हालत देख बाबा उसे उसी वक्त उठाकर अस्पताल लेकर चले गए। दोपहर होते होते पिताजी माँ को लेकर वापस आ गए। उस दिन निर्मल और मैं स्कूल नहीं गए थे। पिताजी ने हमें माँ का ख्याल रखने के लिए कहा और फिर वो बिना कुछ खाए पिए ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ माँ के बारे में बात करने चले गए, किसी दूसरे गांव। निर्मल और मैं पिताजी का इंतज़ार कर रहे थे। रात हो गई थी और अब तक वो वापस नहीं आए थे। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया और सबसे पहले मैंने निर्मल को खाना खिलाया। फिर मैं खाना लेकर माँ के पास चली गई। माँ बिस्तर में करवट बदल कर लेटी हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे लगा कि वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई होगी। वहीं पास में मैंने खाने की थाली रख दी और मैंने माँ को आवाज़ दी, माँ मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खा लो। मेरी आवाज़ सुनकर उसने एक बहुत जोर की सांस ली। उसकी वो आवाज़ सुनकर मुझे बहुत डर लगा। फिर वो करवट बदलकर सीधी हो गई। उसकी वो हालत देखकर मैं उससे थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। कुछ देर के लिए वो वैसे ही पड़ी थी, फिर वो धीरे से उठकर बैठ गई। उसकी पीठ बहुत ज़्यादा मुड़ चुकी थी, पीठ में कुबड़ निकल आया था। माँ इतनी झुककर बैठी थी कि मैं उसका चेहरा तक ठीक से देख नहीं पा रही थी। वो किसी बीमार इंसान की तरह आवाज़ कर रही थी। फिर वो अजीब सी आवाज़ करते हुए मेरे कंधे का सहारा लेकर उठकर खड़ी हो गई। उस वक्त उसका चेहरा मेरी नज़र पर पड़ा। उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। चेहरा रूखा सूखा था, आंखें लाल लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए उसके चेहरे को ढक रहे थे। निर्मल घबराकर चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। माँ का वो रूप देखकर मैं थोड़ा पीछे हट गई और उससे दूर हो गई। फिर माँ किसी कुबड़ निकले इंसान जैसे झुककर चलती हुई घर से बाहर चली गई और जाकर उस गड्ढे के पास बैठ गई। हम उसे दूर से ही देख रहे थे। वो उस पेड़ के और उस गड्ढे के पास बैठकर काफी देर से किसी से बात कर रही थी। कभी वो बीच में ही हंस पड़ती थी तो कभी भयानक सी ठहठहा लगाती थी। वो देख निर्मल और मैं घर के अंदर छुपकर बैठ गए। हम दोनों भी भगवान का नाम लेते हुए बाबा के आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि अब हमें माँ की वो हालत देखकर बहुत डर लगने लगा था। हम दोनों में भी माँ को पुकारने की हिम्मत नहीं थी। हम जानते थे कि अगर वो किसी भी बात पर गुस्सा हो गई तो वो बेवजह हमें फिर से मारेंगी। कुछ देर बाद माँ फिर से धीरे धीरे चलते हुए घर के अंदर आ गई। हम दोनों भी एक कोने में छुपकर वो सब कुछ देख रहे थे, पर वो इस तरह से चलकर आ रही थी जैसे वो जानती थी कि हम दोनों कहां पर छुपे हुए हैं। उसने उसी हालत में निर्मल को खींचकर बाहर निकाला और उसे खींचते हुए वो घर से बाहर लेकर जाने लगी। निर्मल अचानक से हुए उस बदलाव से बहुत घबरा गया और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। माँ, माँ तुम ये क्या कर रही हो, माँ मुझे छोड़ दो। फिर मैं भी हिम्मत करके आगे चली गई। माँ, माँ ये तुम क्या कर रही हो, होश में आ जाओ माँ, मैं पिताजी को सब बता दूंगी। माँ ने फिर भी मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और एक बहुत ही अजीब और भयानक आवाज में उसने मुझे कहा, मैं तेरे भाई को मार दूंगी और तू अगर बीच में आई तो मैं तुझे भी मार दूंगी, चुपचाप यहां बैठे रह। मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने एक हाथ से मुझे वहीं से दूर फेंक दिया। मैं उसी कमरे के एक कोने में जाकर गिर पड़ी। वहां पर खेतों का लोहे का सामान पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मेरे पैर और पीठ में जोर की मार लगी थी।
उस एक फटके से ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों में से जान चली गई हो। मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए थे। आगे कुछ करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। माँ मेरी आंखों के सामने निर्मल को खींचते घसीटते हुए घर से बाहर लेकर चली गई। चल, तुझे तेरा कंचा दिलाती हूँ, चल। माँ की वो हालत देख और उसकी वो भयानक आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। निर्मल उस वक्त रोता रहा, झटपटाता रहा, लेकिन वो उसके हाथ से छूट नहीं पाया। उसकी ताकत के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। मैं किसी तरह हाथों के सहारे रेंगते हुए दरवाजे के पास चली गई। देखा तो उसी वक्त माँ ने निर्मल को हवा में ऊपर उठा लिया था और उस वक्त मैंने वो देखा जो निर्मल को हमेशा दिखाई देता था। माँ की पीठ पर कोई औरत सवार थी और उसी ने निर्मल को हवा में उठा लिया था। फिर अगले ही पल उसने निर्मल को जोर से गड्ढे में पटक दिया। वो देखकर मैं जोर से चीख पड़ी और उसी पल मुझे निर्मल की एक जोर की चीख सुनाई दी। वो शायद दर्द से चीख रहा था, कराह रहा था। वो नजारा देखकर मैं हिम्मत जुटाकर जोर जोर से चीखने लगी, मदद के लिए आसपास के लोगों को पुकारने लगी। माँ ने तब एक गुस्सेल भरी नजर से मेरी तरफ देखा और फिर गड्ढे में वो निर्मल के ऊपर मिट्टी डालने लगी। पर शायद हमारा नसीब अच्छा था कि कुछ ही देर में वहां आसपास के लोग जमा हो गए। गांव के कुछ लोग और हमारे रिश्तेदार दौड़ते हुए वहां आ गए। मेरी हालत देख वो घबरा गए थे। तब मैंने उन्हें बताया कि माँ ने अभी अभी हमारे साथ क्या किया है। उन लोगों ने तुरंत जाकर माँ को पकड़ लिया और फिर निर्मल को गड्ढे से बाहर निकाला। माँ को उन्होंने रस्सी से उसी इमली के पेड़ के साथ बांध दिया। तब मैंने गांव के लोगों को हमारे साथ वहां जो जो हुआ था वो सारी कहानी शुरू से आखिर तक बताई। गांव के लोग भी उस कहानी को सुनकर डर गए। उस घटना के एक डेढ़ घंटे बाद पिताजी घर आ गए और उनके आने के बाद गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी गैरहाजिरी में हमारे साथ क्या हादसा हुआ था। हमारी हालत देखकर बाबा भी बहुत डर गए थे। फिर बाबा ने कुछ गांव वालों को साथ लेकर माँ को इलाज के लिए वो किसी दूसरे गांव लेकर चले गए। बाबा ने हमें अपने ही एक रिश्तेदार के यहाँ रुकने के लिए कहा। उसी रात गांव वालों ने मिट्टी डालकर उस गड्ढे को बुझा दिया। उस रात के दो तीन दिन बाद माँ ठीक होकर घर वापस आ गई, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वो किसी बीमार इंसान जैसे नजर आ रही थी। उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी, बस उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। कमजोर होने के कारण आंखें जैसे बाहर निकल आई थी और हमें देखकर वो खुद बहुत डर गई थी। घर आते ही माँ ने हम दोनों को भी अपने गले लगा लिया और गले लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। शायद वो जान चुकी थी कि उसने पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ वहां वो सब किया था जो एक माँ अपने बच्चों के साथ कभी नहीं करती। उसी बात का उसे सदमा लगा था, उसे बहुत दुख हो रहा था। उसके बाद फिर हमें गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों से पता चला कि करीब 100-150 साल पहले वो जमीन का टुकड़ा हमारे ही खानदान में किसी बुढ़िया के नाम पर था। वो बुढ़िया अकेली थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसके रिश्तेदार उस जमीन को हड़पना चाहते थे। पर वो बुढ़िया किसी भी हालत में वो जमीन का टुकड़ा अपने रिश्तेदारों को देना नहीं चाहती थी। कहते हैं कि उस बुढ़िया ने एक रोज वहां गड्ढा खोदना शुरू किया। फिर काफी दिनों तक गड्ढा खोदने के बाद उसने अपने आप को ही उस गड्ढे में गाड़ लिया। ऐसा कर उसने उस जमीन को श्रापित कर दिया था। फिर काफी सालों बाद वहां वो इमली का पेड़ उगाया था, पर गांव वालों को वहां आने वाले बुरे अनुभव के कारण वो पेड़ भी श्रापित माना जाता था। तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी, अपना अनुभव मुझे अपनी खुद की आवाज में रिकॉर्ड करके ईमेल या इंस्टा पर भेज सकते हैं। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहे। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।